सीढ़ियों के करीब पहुंचकर इमरान यकलक रुक गया और फिर सरगोशी के अंदाज में साथ आने वाले नोमानी से मुखातिब हुआ। सुनो, तुम जाकर उस दरवाजे के करीब खड़े हो जाओ। मैंने दरवाजा लॉक करते वक्त जानबूझकर उसका की होल बंद नहीं किया। इस तरह कमरा मुकम्मल तौर पर साउंड प्रूफ नहीं है। यराज को अगर ट्रांसमीटर पर बात करे तो उसे बात करने देना, लेकिन अगर वो पहले फोन करे तो फिर उसे की होल से फौरी गोली मार देना। ट्रांसमीटर और फोन दोनों दरवाजे के बिल्कुल सामने मौजूद हैं। हाँ, ट्रांसमीटर कॉल के बाद अगर वो फोन करे तो उसे करने देना, फिर मेरे पैगाम का इंतजार करना, इमरान ने सरगोशी करते हुए कहा और साथ ही जेब से वही सलनसर लगा रिवाल्वर निकालकर नोमानी के हाथ में लिया और खुद तेजी से सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर आ गया। सिद्दीकी और चौहान को उसने अपने साथ आने का इशारा कर दिया था। इमरान तेज तेज कदम उठाता उस कमरे में पहुंच गया जहां मेन फोन मौजूद था, जिसके साथ जदीद किस्म टेपिंग सिस्टम फिट था। फोन खामोश था। इमरान साथ रखी कुर्सी पर खामोशी से बैठ गया। उसके चेहरे पर उस वक्त गहरी संजीदगी के तसरात नुमाया थे। चौहान सिद्दीकी भी खामोशी से बैठ गया, जबकि आफंदी पहले से यहां बैठा हुआ था। फिर तकरीबन 10 मिनट बाद टेलीफोन में से डायल घुमाने की मखसूस आवाजें सुनाई देने लगी और इमरान चौंकर सीधा हो गया। आवाजें मुसलसल आती रही। जब आखिरी आवाज आई तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर फोन सेट के नीचे लगे हुए एक बटन को ऑफ कर दिया और फिर रिसीवर उठाकर उसने अपने कान से लगा लिया। चंद लम्हों तक घंटी की आवाज सुनाई देती रही, फिर रिसीवर उठा लिया गया। यस, प्रोफेसर फिंक्स स्पीकिंग। दूसरी तरफ से प्रोफेसर फिंक्स की आवाज सुनाई दी। प्रोफेसर साहब, मैं चीफ ऑफ ब्लू स्टार बोल रहा हूँ, सेक्रेटरी दिफा। सर ब्राउन आपसे एक इमरजेंसी मामले में बात करना चाहते हैं। होल्ड करें, इमरान ने चीफ के लहजे में कहा और फिर माइक पर हाथ रखकर वो चौहान से मुखातिब हुआ। जाओ चौहान, नोमानी से कहो कि इस रास्को का खात्मा कर दे फौरन। इमरान ने तेज लहजे में कहा और चौहान बिजली की सी तेजी से मुड़ा और दौड़ता हुआ कमरे से निकल गया। हेलो प्रोफेसर फिंक्स, मैं ब्राउन बोल रहा हूँ। इमरान ने हाथ माइक से हटाकर एक बारी मगर बलगमजदा आवाज में बात करते हुए कहा। यस लॉर्ड ब्राउन, बताइए क्या बात है। प्रोफेसर की खुश आवाज सुनाई दी। प्रोफेसर, मुझे चीफ ने बताया है कि आपने मिकाले की फिल्म में मौजूद रिपोर्ट को गलत साबित कर दिया है, क्या यह दुरुस्त है? इमरान ने कहा। हाँ, क्यों, इसमें गलत क्या बात हो सकती है? प्रोफेसर के लहजे में हैरत थी। प्रोफेसर, आपने कौन सी लाइन चेक की थी? इमरान ने पूछा। 31। मगर क्यों? प्रोफेसर के लहजे में और हैरत ऊपर आई। ओह, इसलिए मैंने फोन किया है। दरअसल ब्लू स्टार की चीफ से गलती हुई, उन्होंने आपको गलत लाइन बता दी। मिकाले ने अपनी फिल्म में X-31 लाइन की बात की थी। एक्स का लफ्ज चीफ को याद ना रहा क्योंकि वो इस लाइन के आदमी न थे, इमरान ने कहा। X-31? ओह, तो क्या X-31 को डबल चार्ज किया गया है? ओह वेरी सैड, उसकी चेकिंग तो इस पोजीशन में नामुमकिन है। वो तो वाकई फाइनल ले ऑफ के वक्त चेक हो सकती है, प्रोफेसर ने परेशान होते हुए कहा। मुझे भी यही बताया गया था, लेकिन प्रोजेक्ट की अहमियत के पेश नज़र मैंने फौरी तौर पर एक्रेमिया के माहिर तरीन कंप्यूटर अथॉरिटी से डिस्कस की। तो हाग यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मार्कम कल्फ ने उसकी चेकिंग का मखसूस तरीका बताया है, इमरान ने कहा। डॉक्टर मार्कम कल्फ, वो तो वाकई कंप्यूटर पर दुनिया भर में सबसे बड़ी अथॉरिटी हैं। क्या तरीका बताया है उन्होंने? प्रोफेसर की आवाज सुनाई दी। वो लाइन पर हैं, मैं आपका रब्ता उनसे करा देता हूं, आप खुद उनसे डिस्कस कर लें, क्योंकि उनकी बताई हुई मखसूस इस्तलाहात मेरी समझ में तो नहीं आ रही थी। मैंने सोचा कि कहीं मैं भी चीफ की तरह कोई गलती ना कर जाऊं, इमरान ने जवाब दिया। ओह, ये ठीक है, इस तरह मैं उनसे तफसील से डिस्कस कर लूंगा।
प्रोफेसर ने कहा और इमरान ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद एक मुख्तलिफ आवाज में बात शुरू की। ऐसी आवाज जिसमें हल्की सी करख्तगी मौजूद थी और वो हर लफ्ज को खींच खींच कर बोल रहा था। हेलो प्रोफेसर फिंक्स, मैं कल्फ बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा। यस डॉक्टर कल्फ, ये क्या चक्कर चल गया है? कभी कुछ बताया जाता है कभी कुछ, प्रोफेसर फिंक्स ने हैरत भरे लहजे में कहा। ऐसे प्रोजेक्ट्स में ऐसा ही होता है प्रोफेसर, मुझे बताया गया है कि तुमने पहले 31 लाइन को अथोरिक सिस्टम से चेक किया है, इमरान ने कहा। हाँ, क्योंकि इस वक्त प्रोजेक्ट तकरीबन तकमील के करीब है, दूसरी तरफ से प्रोफेसर ने अटककर जवाब दिया। ठीक है, इस सूरत में X31 की चेकिंग का एक ही तरीका रह जाता है और ये तरीका भी मैंने अभी हाल में ही दरियाफ्त किया है। अभी मैंने उस पर रिसर्च पेपर लिखना है, उसके लिए 01 बेस लाइन को बेस से अलहदा कर लो और फिर 01 लाइन को X31 के पहले पॉइंट से जोड़ दो और फाइनल ले ऑफ ऑन कर दो। अगर तो X31 डबल चार्ज होगी तो स्क्रीन रेड फ्लैश करेगी और अगर नहीं होगी तो स्क्रीन साफ रहेगी। बताओ कैसा तरीका दरियाफ्त किया है मैंने, इसे सारी फीडिंग और पूरा प्रोजेक्ट भी महफूज रहेगा और चेकिंग भी हो जाएगी, इमरान ने कहा। ओह वेरी स्ट्रेंज आइडिया डॉक्टर, लेकिन 01 को बेस से अलहदा करते ही कहीं सारी फीडिंग वाच ना हो जाए, प्रोफेसर ने हैरत भरे लहजे में कहा और इमरान ने जोरदार कहका लगा दिया। गुड प्रोफेसर, वाकई ये सवाल तुम जैसा माहिर ही कर सकता है, लेकिन मैंने कहा है कि 01 को X31 के पहले पॉइंट से जोड़ दो। पहले पॉइंट से जोड़ने का मतलब भी यही है कि मेमोरी कतई वाश आउट नहीं हो सकेगी और उसे दोबारा फ्लैश आसानी से किया जा सकेगा, इमरान ने कहा। ओह यस डॉक्टर, बिल्कुल ठीक है, अब बात समझ में आ गई है। ठीक है, मैं अभी चेक करता हूँ, प्रोफेसर ने मुतमईन लहजे में कहा। तुम फोन होल्ड रखना प्रोफेसर, मैं तुम्हारी रिपोर्ट का इंतजार करूंगा ताकि मेरी भी तसल्ली हो जाए, इमरान ने कहा। ठीक है, दूसरी तरफ से प्रोफेसर ने कहा और उसके साथ ही लाइन पर खामोशी तारी हो गई। इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए एक बार फिर माइक को हाथ से बंद कर दिया और वो नुमानी और चौहान की तरफ मुतवज्जो हो गया। क्या हुआ, इमरान ने नुमानी से पूछा। उसने पहले ट्रांसमीटर पर अंथोनी से बात की, कॉल खत्म करने के बाद उसने फोन के नंबर डायल किए, लेकिन फिर वो बार बार नंबर डायल करने लगा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे उसका फोन यकलख्त डेड हो गया हो। उसी लम्हे चौहान ने पैगाम दिया और मैंने उसे गोली मार दी। उसकी खोपड़ी की होल के सामने थी, वो उड़ गई है, नुमानी ने तफसीली रिपोर्ट देते हुए कहा। उसने दोबारा ट्रांसमीटर कॉल तो नहीं की, इमरान ने संजीदगी से पूछा। नहीं, वो उसकी तरफ मुड़ ही रहा था कि मैंने फायर कर दिया, नुमानी ने जवाब दिया। रास्को अगर कॉल कर देता तो मेरा सारा खेल खराब हो जाता, क्योंकि लाजमन वो अंथोनी से कहता कि उसका फोन डेड हो गया है, और ये बात अगर प्रोफेसर तक पहुंच जाती तो सारी सूरत हाल बिगड़ जाती। बहरहाल मैंने उसे जिंदा भी छोड़ दिया था और जिंदगी बचाने का एक मौका भी दिया था। वो अगर ट्रांसमीटर पर अंथोनी को कॉल करने की बजाय पहले टेलीफोन पर मेन हेडक्वार्टर फोन करके किसी आदमी को बुला लेता तो फिर वाकई हमें यहां से भागना पड़ता, लेकिन इंसानी नफसियात से नहीं भाग सकता। मुझे मालूम था कि वो सबसे पहले अंथोनी से बात करेगा, क्योंकि उसके जहन में यही तजस्सुस ज्यादा कवि अंदाज में मौजूद था कि मैंने पहले बाहर रहकर अंथोनी और प्रोफेसर से क्या बातें की हैं, और इस आइडिया पर मैंने रिस्क लिया था। मैं दरअसल प्रोफेसर का बराह रास्त फोन नंबर भी मालूम करना चाहता था और यह भी चाहता था कि प्रोफेसर को या इस अंथोनी को यहां की सूरत हाल का इलम भी ना हो, इसलिए मैंने उसे अंथोनी को कॉल करने दी। और जब उसने अंथोनी से फोन नंबर मालूम करके प्रोफेसर को फोन किया तो मैंने उसे मेन फोन से एक्सटेंशन की लाइन काट दी।
इस तरह उसका फोन डेड हो गया और मेरी बराह रास्त कॉल ऑन हो गई, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन आपने ये क्या सेंसी चक्कर चला दिया है, जब लेबॉरेटरी का पता लग गया था तो उस पर रेड कर देते। नौमानी ने कहा, मैंने मिकाले वाली फिल्म में उसके अंदरूनी और बैरूनी नक्शे देखे हैं। उसका हिफाजती निज़ाम मुकम्मल फूल प्रूफ है और हमें उसमें दाखिल होने के लिए तवील मनसूबा बंदी और वक्त चाहिए था। तब तक तो यकीनन एक्रेमिया आपने पूरी फौज उस लबाटे के गिर्द हिसार बनाने के लिए ले आता, इसलिए मैंने ये शॉर्टकट बाल फेंकी है। अब अगर इस शॉर्टकट पर प्रोफेसर बोल्ड हो गया तो ठीक, वरना फिर लॉन्ग कट का सोचेंगे, इमरान ने कहा और नुमानी और दूसरे साथी बेख्तियार मुस्कुरा दिए। आप तो मुझे उस डॉक्टर कल्फ से भी बड़ी अथॉरिटी लग रहे हैं कंप्यूटर साइंस पर, इस बार सिद्दीकी ने हंसते हुए कहा। डॉक्टर कल्फ इस मजमून पर वाकई अथॉरिटी है और ये जो कुछ मैंने कहा है उसके रिसर्च पेपर पढ़ने पर ही कहा है। कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट पर वो मेरा उस्ताद है। पूरे 30 गज की पगड़ी बनताई थी उसके सर पर और आधी दुकान हलवाई की खाली की थी उसने, तब जाकर मुझे शागिर्द बनाया था, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और कमरा उनके कैकों से गूंज उठा। तो आप वाकई उसके बराह रास्त शागिर्द हैं या किताबी शागिर्दी की बात कर रहे हैं, नुमानी ने हंसते हुए कहा। नहीं, मैं उससे कई बार यूनिवर्सिटी में मिल चुका हूँ, इसलिए तो मुझे उसका लहजा आवाज और अंदाज का इल्म है, इमरान ने कहा और नुमानी ने सर हिला दिया। उसी लम्हे इमरान ने होंठों पर उंगली रखकर उन्हें खामोश रहने के लिए कहा। यस प्रोफेसर, मैं लाइन पर हूँ, क्या रिजल्ट रहा, इमरान ने पहले की तरह हर लिफाज को लंबा खींच खींच कर बोलते हुए कहा। प्रोफेसर, स्क्रीन पर रेड फ्लैश आया है, इसका मतलब है उस मिकाले की रिपोर्ट दुरुस्त है, लेकिन अब उसे ठीक कैसे किया जाए, प्रोफेसर की इंतहाई परेशान सी आवाज सुनाई दी। ओह, ये कोई मसला नहीं है प्रोफेसर, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, असल मसला तो चेकिंग का था, जीरो लाइन दोबारा जोड़ दी है, इमरान ने इंतहाई मुतमैन लहजे में कहा। प्रोफेसर की रिपोर्ट सुनकर उसके चेहरे पर फातेहाना मुस्कुराहट उभर आई थी, ऐसी मुस्कुराहट जैसे किसी खिलाड़ी ने शदीद मुकाबले के बाद कोई सख्त मैच जीत लिया हो। हाँ, वो तो मैंने फौरन जोड़ दी थी, लेकिन प्रोफेसर ने उलझे हुए लहजे में कहा। फाइनल ले ऑफ की थर्ड वायर को काटकर फाइनल ले ऑफ ऑन कर दो, मसला खत्म, फिर थर्ड वायर को जोड़ लेना और अपना काम शुरू कर देना, इमरान ने जवाब दिया। थर्ड वायर, मगर वो तो T1 की एग्जिस्टिंग वायर है, उसका इससे क्या ताल्लुक, प्रोफेसर ने और ज्यादा उलझे हुए लहजे में कहा। असल मसला तो T1 रेजेस को ब्लॉक करना है, वरना वो डिलीवर हो जाएंगी। वो ब्लॉक हो गई तो फिर फाइनल ले ऑफ ऑन होते ही X31 लाइन की चार्जिंग खुद ब खुद हो जाएगी, इस तरह सारी गड़बड़ ही खत्म हो जाएगी और तुम्हारा मकसद भी पूरा हो जाएगा, इमरान ने कहा। ओ हाँ, वाकई ये आइडिया बनता है, ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर, मैं भी करता हूँ, इस बार प्रोफेसर ने खुश होते हुए कहा। फोन बंद न करना, मैं तुम्हारी रिपोर्ट का इंतजार करूंगा ताकि मेरी मुकम्मल तसल्ली हो जाए, इमरान ने कहा। ठीक है डॉक्टर, मैं अभी रिपोर्ट देता हूँ, प्रोफेसर ने कहा और लाइन पर एक बार फिर खामोशी तारी हो गई। लो भाई, अब सारे हकट्टे हो जाओ और अपने कानों से प्रोफेसर फिंक्स की रिपोर्ट सुन लो, ताकि तुम्हें भी यकीन आ जाए कि मैं अपने उस्ताद डॉक्टर कल्फ का वाकई शागिर्द रशीद हूँ, इमरान ने माइक पर एक बार फिर हाथ रखते हुए कहा। क्या मतलब, अब क्या होगा, नौमानी, सिद्दीकी और चौहान तीनों ने हैरान होते हुए कहा। पुलाव खाएंगे हम और प्रोफेसर फिंग और उस फूल प्रूफ लेबॉरेटरी का खात्मा होगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और अभी उसका फिक्र मुकम्मल ही हुआ था कि फोन के रिसीवर से एक खौफनाक धमाके की ऊंची आवाज सुनाई दी और वो सब बेख्तियार उछल पड़े और इमरान ने मुस्कुराते हुए रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। क्या मतलब, ये धमाका, उन तीनों के चेहरों पर सवालिया निशान मौजूद था।
हाँ, ये धमाका अभी तो लेबॉरेटरी में हुआ है और इस धमाके से अभी तो 01 लेबॉरेटरी मुकम्मल तौर पर तबाह हुई है, लेकिन ये जल्द ही ये धमाके इसराइल और दुनिया भर के यहूदियों के दिलों में भी होंगे जब वो ये खबर सुनेंगे कि मुस्लिम ममालिक और ख़ास तौर पर मुसलमानों के मुकद्दस तरीन मकामात के खिलाफ होने वाली भयानक साजिश अपने अंजाम को पहुंच गई है। अब ना डॉक्टर फिंक्स दोबारा जिंदा होगा और ना दोबारा ऐसा प्रोजेक्ट बनेगा। आओ अब चले यहाँ से, बहुत इस्तेमाल कर लिया हमने बेचारे रास्को का हेडक्वार्टर। वैसे भी बाहर अफंदी साहब अकेले बोर हो रहे होंगे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और सब साथियों के चेहरे इमरान की बात सुनकर मुसर्रत से खिल उठे। आपने कमाल कर दिया, यानी इतनी आसानी के साथ यहीं खड़े खड़े पूरा प्रोजेक्ट माल लेबॉरेटरी के उड़ा दिया। अगर मैंने ये धमाका ना सुना होता तो कम से कम मैं तो यकीन ना करता, चौहान ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। अच्छा, मुख्तलिफ आवाजें निकाल निकाल कर मेरे गले की सारी गिरारियां खराब हो गई हैं और तुम कह रहे हो इतनी आसानी से सिगरेट आर्ट खत्म हो गया है, इमरान ने रूठते कैसे अंदाज में कहा और सब साथी बेख्तियार कहका मारकर हंस पड़े। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का अख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।